हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडिया पावर्ड बाय अभिमनु आईएएस। फ्रेंड्स, आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइक्लोन अम्फान, इसको साइक्लोन अम्पन भी बोला जा रहा है। टुडेज टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इन टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट साइक्लोन अम्फान एंड सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे नेमिंग ऑफ साइक्लोन इन इंडियन ओशन रीजन। फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। साइक्लोन अम्फान इज ए सुपर साइक्लोन। इतना पावरफुल साइक्लोन इससे पहले बे ऑफ बंगाल में देखा गया था इन 1999, जिसने उड़ीसा के कोस्टल एरियाज को हिट किया था। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, सेकेंड टाइम इतना पावरफुल साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में आया है। इससे पहले कब आया था? 1999 में, जिसने उड़ीसा के कोस्टल एरियाज को हिट किया था और बहुत तबाही मचाई थी। सेकेंड पॉइंट, साइक्लोन अम्पन, UMPUN, ये नाम दिया है थाईलैंड ने, और ये नाम थाईलैंड ने दिया था 2004 में। जो नाम 2004 में थाईलैंड ने दिया था उसे हम आज यूज कर रहे हैं। अम्पन का मतलब होता है स्काई। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट, नासा ने साइक्लोन अम्फान को हरिकेन की कैटेगरी 5 में रखा है। यस, कैटेगरी 5। कैटेगरी 5 में उस साइक्लोन को रखा जाता है जिसमें ओवर द पीरियड ऑफ 1 मिनट हाइएस्ट एवरेज विंड स्पीड रहती है 251 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा। देन फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं साइक्लोन कितना पावरफुल है। ओके, फॉर्मिंग की बात करते हैं। 13th ऑफ मे को विशाखापट्टनम से 1020 किलोमीटर साउथ ईस्ट में एक लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है। 16th ऑफ मे को साइक्लोन फॉर्म होता है और उसको नाम दिया गया ट्रॉपिकल साइक्लोन 01B। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है ये साइक्लोन एक प्री मॉनसून साइक्लोन है। इससे पहले प्री मॉनसून साइक्लोन कौन सा था? फैनी, जिसका नाम था, क्या नाम है? फैनी। नेक्स्ट पॉइंट, ये साइक्लोन उड़ीसा, बंगाल एंड बांग्लादेश के कोस्टल एरियाज को हिट करेगा। फ्रेंड्स, जिस टाइम ये कोस्टल एरियाज को हिट करेगा, हैवी रेनफॉल, फ्लड एंड जो विंड स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ओके फ्रेंड्स, नेमिंग की बात करते हैं। पूरे वर्ल्ड में जो भी साइक्लोन्स आते हैं उनका नाम रखते हैं RSMC। इसकी फुल फॉर्म होती है रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स। तो RSMC इनका नाम रखते हैं। ओके, इंडिया का मेट डिपार्टमेंट, आपको रखना है इंडिया का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो भी RSMC का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, 2000 में कुछ कंट्रीज ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है WMOSCAP, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन / यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। अब आपको यह रखना है कितने कंट्रीज थे उस टाइम पर इसमें, तो इसमें है 8 कंट्रीज। ये थे बांग्लादेश, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ओके, ये हो गए टोटल 8 कंट्रीज। वेरी इंपॉर्टेंट, UPSC आपसे पूछ सकता है कि जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी तो उस टाइम पर कितने कंट्रीज थे, तो 8 कंट्रीज आपको याद रखनी है। और नेम क्या है उनके, फिर से देखिए, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड। अब ये कंट्रीज साइक्लोन्स के लिए अपने नेम प्रपोज करते हैं और ईच कंट्री ने 8 नेम दिए, तो टोटल नेम कितने हो गए? 64। एक लिस्ट बना ली गई 64 नेम्स की। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो 64 नेम दिए गए थे इसमें थाईलैंड ने नाम दिया था अम्पन, जिसको आज हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, 2018 में WMOSCAP में 5 कंट्रीज को और ऐड कर दिया गया। ओके, 2018 में ये कंट्रीज हैं ईरान, खतर, सऊदी अरेबिया, UAE एंड यमन। तो टोटल अभी कितने कंट्रीज हो गए WMOSCAP में, आपको याद रखना है 13 कंट्रीज हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अब जो 13 कंट्रीज हैं इन्होंने ईच कंट्री ने 13 नेम प्रपोज किए, तो अभी जो न्यू लिस्ट बनी है उसमें कितने नेम दिए गए हैं? 169, और उसके अकॉर्डिंग ही बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में जो साइक्लोन आएंगे उस लिस्ट के अकॉर्डिंग नाम रखा जाएगा। ओके, क्वेश्चन ये आता है कि साइक्लोन का नाम हम क्यों रखते हैं, टेक्निकल नाम से हम काम क्यों नहीं चलाते? तो आपको याद रखना है, जब हम साइक्लोन का एक सिंपल नेम रख देते हैं तो उससे क्या होता है, हमें उसे समझने में बहुत आपका आसानी हो जाती है। ओके, हमारी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, जनरल पब्लिक है, उसे आसानी से समझ सकती है। अगर मान लीजिए हम किसी साइक्लोन को साइंटिफिक नेम से बुलाएंगे,
ट्रॉपिकल साइक्लोन 0 1 बी, टेम्परेट साइक्लोन 0 आपका 2 ए, इस टाइप से बहुत कठिनाई हो जाएगी, उसे समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसलिए सिंप्लीफाई करने के लिए इनका सिंपल नेम रख दिया जाता है, जिससे इनको समझने में आसानी हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ओके, इस टॉपिक को आप अच्छे से करिए। ओके, डब्ल्यू एम ओ एस्केप पर आपका मेन फोकस होना चाहिए, यूपीएससी वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।